नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज में। मैं हूं संजय मिश्रा। हम खड़े हैं इस समय देश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाली मुंबई नगरी में। दक्षिण मुंबई का यह परिसर है और खास करके हम खड़े हैं उस मस्जिद में जो हेरिटेज माना जाता है, जिसे मुगल मस्जिद है ये। इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले कैमरा पर्सन राजीव बारोट से ये गुजारिश करेंगे कि हमारे कैमरे के सामने खड़े इन तमाम लोगों की हजरात की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद करें और उन तमाम दर्शकों को बताने की कोशिश करें कि जिनके अंदर यह जिज्ञासा बनी हुई है कि लेमन न्यूज पर चलने वाले इस कार्यक्रम का मकसद क्या है, एजेंडा क्या है, अभिप्राय क्या है। यह वही मुगल मस्जिद है जो तकरीबन 160 साल पुरानी है, जिसे देखने के बाद कहा जाता अपने आप में यह शान कहा जा सकता है। और दक्षिण मुंबई में बसा है यह मुगल मस्जिद। तकरीबन 110 साल पहले मुगल मस्जिद को तकरीबन 2 लाख स्क्वायर फीट की जमीन कलेक्टर के माध्यम से बॉम्बे हाईकोर्ट, उस जमाने में बॉम्बे हाईकोर्ट हुआ करता था, जिसकी अनुमति के बाद कलेक्टर के मध्यस्थता के बाद यह 2 लाख स्क्वायर फीट जमीन जो है वह मुगल मस्जिद को दी गई और 99 साल का लीज था। जमीन को जिस हिसाब से दी गई उस हिसाब से यह जमीन आज इसकी क्या करंट स्टेटस है, क्या वर्तमान स्थिति है, हमारा बताने का मकसद यह है कि वह बोर्ड में लगातार भूखंड का जो श्रीखंड हमें देखने को मिलता है उसी का एक पार्ट एंड पार्सल कहा जा सकता है। अब तक की ये सबसे बड़ी खबर जो सिया कम्युनिटी से बिलोंग करती है। हमारे साथ यहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग हैं जिनसे हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि जब इन्हें जमीन दी गई थी लीज पर, उसके बाद क्या हुआ, उस जमीन को किसी और को, सबसे पहले जो गवर्नमेंट ने ग्रांट किया यह जमीन, इस जमीन से उत्पन्न होने वाला जो भी आय स्रोत है उससे इस मुगल मस्जिद का रखरखाव किया जाता था, लेकिन आज वर्तमान में जो स्थिति है दुर्भाग्यपूर्ण है। जो जमीन इनके पास होनी चाहिए थी वह जमीन किसी को बेच दी गई। पूरा मामला क्या है यह जानने की हम कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपके पास जाएंगे, आपका नाम? अली नमाजी। जनाब ये बताइए, संक्षेप में जानना चाहते हैं ये पूरा मामला क्या है। सर दरअसल 1903 में उस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस मस्जिद को एक ग्रांट दिया था और वो जो जमीन थी हमारे पुराने मुतवल्लीज वहाँ पे रहते थे, तो गवर्नमेंट ने खुद इनवाइट किया और इस जमीन को परपेचुअल रिन्यूअल के साथ में इस मस्जिद को दिया गया और मस्जिद के देखभाल के लिए दिया गया। उस दौरान आज 2012 में कलेक्टर की ऑफिस से इनविटेशन आई हम लोगों को कि इसको रिन्यूअल किया जाए और उन्होंने वक्फ बोर्ड में भी लेटर भेजा कि मस्जिद को दिया जा रहा है। वक्फ बोर्ड ने भी कहा कि यस मस्जिद की ज़मीन है, मस्जिद को दिया जाए। 2-3 महीने के हियरिंग के अंदर जो उस पर अभी एनक्रोच किया हुआ है उन्होंने कलेक्टर के सामने हियरिंग के दौरान इन्होंने मस्जिद की ज़मीन को बेच दिया है। हम लोगों ने हर डिपार्टमेंट में गया है, आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है उसके अंदर। हम बड़े संक्षेप में बताना चाहते हैं कि सबसे पहले 110 साल पहले ये जमीन मुगल मस्जिद को ग्रांट की गई थी, उसके बाद 1927 में उक्त जमीन ट्रस्ट ने किसी गमाड़िया दंपत्ति को दी और गमाड़िया दंपत्ति को देते समय यह कहा गया था लिखित तौर पर कि जब लीज का समय पूरा होगा तो आप 10 दिन पहले हमें इत्तला करेंगे, और सिर्फ इत्तला नहीं करेंगे, इस पीसफुल पोजेशन, इस पूरी जमीन का आप हमें सौंपेंगे। लेकिन हुआ यूं, आगे जाने के बाद गमाड़िया दंपत्ति ने किसी रानी को यह जमीन दे दी, रानी ने उक्त जमीन उस साल 1975 में किसी कासलीवाल को सौंप दी और यह कहते हुए सौंपी कि 20 दिन लीज समाप्त तो होने के दौरान उससे 20 दिन पहले इस जमीन का जो कब्जा है वो आप शांतिपूर्ण तरीके से मुगल मस्जिद को सौंप देंगे, लेकिन ऐसा हो न सका। चूंकि साल 2002 में एक ऐसा समय था कि जितने भी ट्रस्ट थे जो लीज पर जमीन जिन्हें ग्रांट की गई थी, तमाम जमीनों का जो रिन्यूअल था वह अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। साल 2012 में महाराष्ट्र सरकार का एक नोटिफिकेशन आता है कि लीज के तहत जो जमीन आपको ग्रांट की गई है उसके रिन्यूअल के लिए आप सामने आइए। होना तो ये चाहिए कि जो मूल लीजी होता है, जो मूल मालिक जिसे हम कह सकते हैं, चूंकि जमीन का रखरखाव करने का पूरा
जिम्मेदारी जिसकी बनती है, मूल निजी जो है, उसे जाना चाहिए था, लेकिन उसको न बुलाकर किसी तीसरे व्यक्ति ने इस पूरी जमीन को किसी बिल्डर को बेच दिया और आज वह बिल्डर तानाशाह का परिचायक बना हुआ है, जो अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण कहा जा सकता है। हमारे साथ यहाँ पर और भी कई हजरात हैं, हम उसे जानना चाहते हैं। सबसे पहले हम आपके पास आना चाहेंगे, चूंकि आप ये लड़ाई कई सालों से लड़ रहे हैं, आपसे जानना चाहते हैं कि वो कौन सा दौर था जब ये जमीन मिली थी, पहले व्यक्ति ने कैसे दूसरे को दिया, दूसरे ने कैसे तीसरे को दिया, और तीसरे ने कैसे इस जमीन को सरेंडर करने के बजाय किसी चौथे को बेच दिया। सर जी, इसके अंदर सबसे पहले समझ लीजिए कि ये जो जमीन है ये कौड़ियों के भाव बेच दी गई है। वफ की इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है सिटी ऑफ लैंड, सिटी ऑफ मुंबई के अंदर, दिल के अंदर ये जमीन है मजगांव CS 400 की, और इस प्रॉपर्टी को कौड़ियों के भाव बेच दिया गया है एक कासलीवाल सब टेनेंट के द्वारा एक नए बिल्डर को। इसके अंदर सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैंने काफ़ी कुछ इसमें डिटेल्स निकाले पेपर्स RTI के माध्यम से, तो माध्यम से मुझको पता चला, पेपर्स में मुझको ये रिवील्स हुआ कि ये जो प्रॉपर्टी है 1903 में बॉम्बे हाई कोर्ट के परमिशन से दी गई थी शिराजी ट्रस्ट को, परपिचुअल रिन्यूअल लीज के ग्रांट की गई थी। उसके बाद में गामड़िया फैमिली को दी गई, उसके बाद में रानी को दी गई, रानी ने कासलीवाल को दिया, इसी तरीके से कई लोगों को ये सब असाइन होते चले गई। लेकिन 2002 में जब ये लीज 2002 में खत्म हुई, 99 ईयर्स का लीज, और तमाम लोगों के इसके ऊपर राइट्स खत्म हो जाते हैं, उसके बाद में भी कासलीवाल ने उसके 14 साल बाद थोड़ा सा रोकना चाहेंगे आपको, 2002 में ये लीज का जो समय था वो समाप्त हो चुका है, और वो लीज की समाप्ति से पहले कासलीवाल को ये जमीन सौंपनी थी। बिल्कुल, तो ऐसा न करके उस जमीन को उसने कैसे बेच दिया दूसरे को? 2002 में जब उसके पूरे राइट्स खत्म हो जाते हैं, फिर भी उसने 10 साल वेट किया। 10 साल के बाद में जब महाराष्ट्र शासन का एक सर्कुलर आया कि रिन्यूअल करना है लीज को तमाम वक्फ प्रॉपर्टीज का जितनी भी रुकी हुई है, उसके बाद में गवर्नमेंट का रेजोल्यूशन है उसमें क्लियर मेंशन है कि जो भी ओरिजिनल लीजी होगा उसको ही लीज रिन्यूअल की जाएगी। उसके बाद में कलेक्टर साहिबा की तरफ से लेटर आया शिराजी ट्रस्ट को कि आप आइए और लीज रिन्यूअल कीजिए। उसके बाद में कासलीवाल भी अपना पक्ष रखने के लिए कलेक्टर साहिबा के पास पहुंचे। कलेक्टर साहिबा को फौरन उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए था, क्योंकि 1975 का जो एग्रीमेंट उसका है उसके अंदर वो खुद अपने आप से बोल रहा है कि मैं 20 दिन पहले ये जगह छोड़ के चले जाऊंगा। बिल्कुल, जो व्यक्ति बाकायदा ये कहता है शपथ पत्र के तहत कि ये जमीन का जब कार्यकाल लीज का जो समय खत्म होगा उससे 20 दिन पहले शांतिपूर्ण तरीके से इस जमीन का कब्जा हम लौटा देंगे, तो आखिर कलेक्टर साहिबा इतनी मेहरबान क्यों? क्यों आखिर उसकी हेयरिंग ली गई? मूल मालिक की पड़ताल करने से पहले किसी और को मौका कैसे दिया जा सकता है? मामला 2 लाख स्क्वायर फीट जमीन का है, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, जहां जमीन की कीमतें लगातार आसमान छू रही है, लेकिन यहां पर मानो राजा को खबर ही नहीं मुशहरों ने बन बांट दिया है। जो जमीन है लीज की, जो ग्रांट की गई है, जिसके जिससे होने वाले आर्थिक उत्पन्न से मुगल मस्जिद का रखरखाव किया जाना था, आज हाशिए पर खड़े मुगल मस्जिद के वह तमाम लोग अब इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कोई तो आगे आए और हमें न्याय दिलाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। जबकि दक्षिण मुंबई का यह नजारा है, यहां के एडिशनल पुलिस कमिश्नर कृष्ण प्रकाश साहब ने साफ तौर पर MRA पुलिस स्टेशन को दिशा निर्देश दिया था कि आप प्राथमिकी दर्ज करें, लेकिन MRA पुलिस स्टेशन के सीनियर PI ने इसकी कोई जहमत उठाना मुनासिब नहीं समझा और उन्होंने FIR दर्ज नहीं किया। यही एक व्यक्ति कोई 200 रुपए या 300 रुपए की चोरी करता है तो उसे जमीन से उखाड़ के मुंबई पुलिस उठा लाती है, लेकिन इतने बड़े क्राइम के ऊपर आखिर लोगों की नजरें क्यों नहीं पड़ पा रही है, यह सवाल अब भी बरकरार है। कई और लोग हमारे साथ हैं, लेकिन सबसे पहले एक सवाल आपसे ये जानना चाहते हैं, आप मुझे ये बताइए कि ये जो जमीन है ये कहां पर है इस समय? ये जमीन CS 400 मजगांव डिवीजन में कलेक्टर साहिबा के यहाँ मुंबई सिटी में आती है, और ये जमीन जो है 99 ईयर्स के लिए लीज पे ग्रांट की गई थी। जब 2002 खत्म हो गया, सबकी लीज खत्म हो गई, उसके बाद में 12 साल के बाद में ये बंदा जो कासलीवाल लास्ट सब लीजी है, इसने एक नए बिल्डर को पूरी की पूरी प्रॉपर्टी बेच दिया और बाकायदा इसका इसने रजिस्ट्रेशन एग्रीमेंट किया सेम कलेक्टर साहिबा के यहाँ, और
सेम डे सुनवाई हो रही है सेकंड फ्लोर पे, स्टैम्प ड्यूटी भरी जा रही है और थर्ड फ्लोर पे सुनवाई हो रही है। इस तरीके का धूल झोंकने का काम इस कासलीवाल ने किया है। बिल्कुल, ये पूरी तरह साठगांठ के तहत हुआ है। इसे सफेद पोश अपराध कहे तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इकोनॉमिक ऑफेंस विंग जहां पर बड़े पैमाने पर गुनाहों के वो दस्तावेज पड़े हैं, लेकिन अब तक वह धूल चाट रहे हैं। लगता है कि इस मामले को भी किसी ठंडे बस्ते में डालने की कवायद की जा रही है और इसमें तमाम लोगों की मिलीभगत से इनकार नहीं किया जा सकता, चाहे लाल फीताशाही हो, राजनेता हो, तमाम उन लोगों की जवाबदेही बनती है कि शिया समुदाय का यह पाक मस्जिद जो आज बेसब्री से इंतजार कर रहा है ऐसे किसी शख्स का जो इस तमाम चीजों पर एक निर्णायक भूमिका ले सके, लेकिन अभी भी जो बंदरबाट चल रही है और अपराधियों के खिलाफ जो प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा रही है उससे तो ऐसा लगता है कि यहाँ दाल में काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। हमारे साथ कई और हजरात हैं, आपसे जानना चाहेंगे आपका सबसे पहले परिचय। मुझे सैयद मुराद रजा रजवी कहते हैं, मैं पटना का रहने वाला हूँ। यहाँ 10 दिन प्रोग्राम है, मजलिस अज़ा है, वो पढ़ने के लिए यहाँ आया हूँ और मुहिब्बान उमुल अइमा ट्रस्ट रजिस्टर है, उसका मैं सदर हूँ। आपसे ये जानना चाहेंगे जिस प्रकार से ये पूरा मामला प्रकाश में आया है, क्या सोचते हैं आप? चूंकि यह तो अपने आप में बहुत बड़ा गुनाह कहा जा सकता है, लेकिन इस पर किसी तरह सरकारी संस्थानों में बैठे उच्चाधिकारियों की नजर नहीं पड़ पा रही है, ऐसे में आप लोगों का स्टैंड क्या होगा? देखिए, हम तमाम जगह जहाँ भी जाते हैं इस वक्त हिंदुस्तान के लिए ये बहुत बड़ा अलमिया है, बहुत बड़ा जिसको आप दुर्भाग्य कह रहे हैं वो है कि पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त वक्फ के सिलसिले में हुकूमतें संजीदा नहीं हैं। बिहार के औकाफ़ हों, यूपी के औकाफ़ हों, अभी यूपी में आपने देखा यूपी गवर्नमेंट किस तरीके से औकाफ़ को तहस नहस कर रही है, बिहार में इसी तरीके से, और अभी ये बम्बई में ये सामने आया है। ये वक्फ की ज़मीन जो भी होती है, ये अच्छे भले मानस जो भी होते हैं दुनिया में, वो पुण्य के लिए, अच्छे काम के लिए, नेकी के लिए अपनी ज़मीनों को वक्फ करते हैं ताकि अल्लाह रसूल प्रभु का काम जो है वो होता रहे और उनको किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद मुल्क है और इसकी जिम्मेदारी है कि अकलियतों के हवाले से वो संजीदा रहे और उसमें जो भी गुनाह करने वाले हों उनको पार्टी के लेवल पर ना देखा जाए, बल्कि ये देखा जाए कि ये जो है वो देश में ऐसा काम कर रहे हैं जिससे देश बदनाम हो रहा है। वो हिंदुस्तान के जो आज़ादी के हवाले से सारी दुनिया में माना जाता है जमहूरियत के हवाले से, अगर इस किस्म के कांड और इस किस्म के वाकयात होते रहे हिंदुस्तान में तो उसका जो चेहरा हिंदुस्तान का जमहूरी चेहरा है वो बहुत ही जल्द ख़राब हो रहा है और बड़ी बदनामी पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की हो रही है। हम गुजारिश करेंगे यहाँ के जिम्मेदारों से, जो यहाँ के पुलिस है, जो यहाँ के अफराद हैं, कि ऐसे गद्दारों को जो खुदा की ज़मीन, दीन की ज़मीन, लोग पब्लिक की ज़मीन से जो है वो खिलवाड़ करते हैं अपनी दुनिया के लिए, उन्हें अपनी आखिरत की खबर नहीं है कि उन्हें आखिरत में जहन्नम में कितने धोखे खाने पड़ेंगे, लेकिन जो लोग जिम्मेदार हैं, जो बैठे हुए हैं, जो बैठे हैं इसलिए कि ताकि कमज़ोरों की बात सुने, कमज़ोरों को उनके हक दिलाएं, जालिमों से उनका हक छीने, हमारी गुजारिश है। पहले मरहले में हम गुजारिश करते हैं, सबसे गुजारिश करते हैं, हमारी ड्यूटी है ताकि हम अपनी बताएं कि हमारे ऊपर जुल्म क्या हो रहा है। हम जुल्म को पेश कर रहे हैं कि ये जुल्म हो रहा है। 200 लाख कह रहे हैं 2 लाख स्क्वायर फीट बंबई, वो भी सिटी स्पेस में जमीन, और इसको इस तरीके से कौड़ी के भाव में बेच दिया जाए और हुकूमत तमाशाई बनी रहे, इसका मतलब सबकी साठगांठ के साथ ये काम हो रहा है। तो हम किसी का हक छीनते भी नहीं हैं, हम किसी का हक मारते भी नहीं हैं, लेकिन हम अपना हक किसी को लेने भी नहीं देंगे। बिल्कुल, हम किसी का हक छीनते नहीं हैं, हम किसी का हक मारते नहीं हैं, लेकिन हम अपना हक किसी को लेने भी नहीं देते हैं, साफ तौर पर इनका कहना है। लेकिन ऐसे में सवाल है सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब आपसे, जिस तरह चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने जनता से वादे किए थे कि भ्रष्टाचार का जो दीमक है वह हिंदुस्तान को चाट खाया है और समय रहते ही इस दीमक का सफाया यदि नहीं किया गया तो आने वाला दिन विकट भरा होगा, तो क्या वक्फ बोर्ड में जो भूखंड का श्रीखंड, जिन लोगों ने इसका लाभ उठाया है, क्या उन लोगों के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई हो पाएगी? ये सवाल अब भी बदस्तूर जारी है। और हमारा यह कार्यक्रम दिखाने का मकसद किसी को डोमिनेट करना नहीं है, हमारा मकसद किसी की खिलाफत करना नहीं है, हमारा मकसद किसी का विरोध करना नहीं है, लेकिन हमारा मकसद है जो सच्चाई पूरी पारदर्शिता के साथ ना सिर्फ अपने दर्शकों तक ले जाना बल्कि सरकारी महकमे में बैठे कुंभकर्णी नींद में अंगड़ाई लेने वाले उन उच्च अधिकारियों तक भी हम पहुंचना चाहते हैं। और यह लमन न्यूज पर इस तरह का कार्यक्रम प्रसारित करने का सिलसिला
तब तक चलता रहेगा जब तक सरकारी महकमे में बैठे चाहे मंत्री हो चाहे संतरी हो तमाम लोगों की आंखें नीच से खुल नहीं जाती। हमारे साथ यहाँ पर जी जी पहली बात तो यह है कि इसमें वक्फ बोर्ड का कुछ रोल नहीं आया अभी तक। जो जमीन बेची गई है ना ये ट्रस्ट की परमिशन से बेची गई है ना वक्फ बोर्ड की परमिशन से बेची गई है। उसके अलावा जो हम लोग काम कर रहे हैं हम लोगों के ऊपर बहुत प्रेशर आ रहा है कि हम इसको पीछे ना जाए, अलग अलग जगह से हमारे पर प्रेशर आ रहा है। आप जानते हैं कि कैसे प्रेशर आ सकते हैं हमारे पर। बिल्कुल बिल्कुल, जिन लोगों का प्रेशर आ रहा है जिन लोगों का दबाव आ रहा है उन लोगों की भी सूरत उन लोगों की तस्वीर हम परत दर परत अपने दर्शकों तक ले जाने का पूरा प्रयास करेंगे। और हमारा आपसे वादा है कि इस कार्यक्रम की सच्चाई के तह तक हम जाने की कोशिश करेंगे और इसका हम R&D कर अपने दर्शकों को ये बताएंगे कि पूरी सच्चाई आखिर क्या है। हमारे साथ और भी हजरात हैं, आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल जी सर, इसमें बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि जिस तरीके से कलेक्टर साहिबा के यहाँ पे सुनवाई हुई और कलेक्टर साहिबा ने जिस तरीके से कास्तीवाल को इनवाइट किया वो भी एक संदेह दर्शाता है कि क्या रोल है, क्या कलेक्टर साहिबा का इसमें रोल है कि उन्होंने लिखे हुए एग्रीमेंट पे लिखा है कि मैं 20 दिन पहले छोड़ के 2002 में चला जाऊँगा लीज समाप्त होने के, फिर भी वो बंदा को हेयरिंग के लिए बुलाया जाता है। उसके बाद में पूरी हेयरिंग सुनने के बाद में कलेक्टर साहिबा ने देखा कि कास्तीवाल ने एक चीटिंग किया और उन्होंने अपने आदेश में क्लियर लिखा मुंबई पुलिस को और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कि इसके ऊपर इसने गलत काम किया और इसके ऊपर केस बनता है, इसको केस लेना चाहिए। फिर भी मुंबई पुलिस अभी तक के एक भी केस लेने के लिए तैयार नहीं, FIR लेने के लिए तैयार नहीं। ऐसा क्यों? मैं पूछना चाहता हूँ मुंबई पुलिस से, मैंने मुंबई पुलिस में जाके अपनी चप्पलें घिसी है। मैंने कितनी बार मिला MRA मार्ग में, सीनियर को मिला, IO को मिला, IO ने क्या कहा, हम देखते हैं करते हैं, इसको सिविल मैटर बता दिया। सिविल मैटर कैसे हो सकता है, कौड़ियों के भाव में करोड़ों की जमीन बिकी है। आपसे मैं जानना चाहूंगा, मेरा एक सवाल है आपसे, 110 साल पहले मुगल मस्जिद को जमीन ग्रांट की गई, सही है? बिल्कुल सही। उसके बाद साल 1927 में उक्त जमीन किसी गामड़िया फैमिली को दी गई, सही है? बिल्कुल बिल्कुल। और उस गामड़िया फैमिली ने किसी रानी, विदेशी रानी को यह जमीन सौंपी थी, इंदौर की रानी साहिबा को दी, उन्होंने फिर 1975 में कास्तीवाल को दिया। जब कास्तीवाल को यह जमीन दी गई तो उसी कंडीशन में दी गई थी कि जब लीज की समय सीमा समाप्त होगी तो उसके 20 दिन पहले शांतिपूर्ण तरीके से पीसफुल पोजीशन के तहत उक्त जमीन आप सौंप देंगे, लौटा देंगे, सही है? बिल्कुल, 20 दिन पहले बात हुई थी, 20 दिन पहले उन्होंने लिखित एग्रीमेंट किया हुआ है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब साल 2002 तक यह लीज समाप्त हुई तब से लेकर 2012 तक आप या यह ट्रस्ट क्या कर रहा था? देखिए ट्रस्ट का इशू ऐसा है कि उन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से ये बंद था रिन्यूअल 2012 में गवर्नमेंट ने रिन्यूअल के लिए स्टार्ट किया कि लीज रिन्यूअल स्टार्ट की जाए, तो कलेक्टर साहब की तरफ से सिराजी ट्रस्ट को लेटर आया कि आप आइए और लीज रिन्यूअल कीजिए। लेकिन उस बीच कास्तीवाल भी पहुंच गया कि मैं यहाँ पे अभी भी लास्ट है, सब लीजियो मैं हूँ, तो मेरी भी बात सुनी जाए। उसने कई बार कलेक्टर साहिबा को गुमराह किया कि मेरा वकील अभी टाइम नहीं, अभी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे वजह कई बार बहाने किया। ये कलेक्टर साहिबा की हेयरिंग में डिटेल में लिखित है, मेरे पास RTA में कॉपी निकाली हुई है। मुझे एक बात बताइए, जब कलेक्टर साहिबा ने उसे मौका दिया तो आपने कलेक्टर साहिबा से ये पूछने की कोशिश करी कि मूल मालिक का पड़ताल किए बगैर आपने कास्तीवाल को बैठने का मौका कैसे दिया? उन्होंने ये कहा कि भाई वो भी एक टेनेंट है, लास्ट टेनेंट है, मैं भी उनकी सुन लेती हूँ और सुनने के बाद में अपना रिव्यू बाद में दूंगी। काश कि मुंबई के सभी तमाम टेनेंट का ऐसा ही पक्ष सरकारी महकमे में बैठे हुए लोग सुने तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन आम व्यक्ति की सुनवाई नहीं होती है, लेकिन एक तुच्छ, एक अदना सा इंसान जिसे बुलाकर उसकी मेहमान नवाजी की जाती है और वह तमाम नियम व कानून की धज्जियां उड़ाकर अपराध की तामीर लिख देता है, लेकिन सरकारी महकमे में बैठे हुए लोग मानो मूक दर्शक बनकर तमाशा देखने का काम कर रहे हैं। मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया साहब से गुजारिश है कि जितना उन्हें चुस्त दुरुस्त समझा जाता है क्या उतनी गंभीरता से इस मामले में वह हस्तक्षेप करेंगे। बहरहाल हमारे साथ हमारे सहयोगी सलामत अली हैं, हम चाहेंगे कि वह आए और उनसे हम ये जानने की कोशिश करते हैं। सलामत, मामला काफी बड़ा है, फर्जीवाड़े से संबंधित है, जो जमीन शांतिपूर्ण तरीके से सरेंडर की जानी चाहिए थी वह तो
बेच दी गई, सरेंडर करना तो बहुत दूर की बात है, उसे बेच दिया गया, क्या कहेंगे? संजय जी, सबसे पहले जिस तरह से ये तमाम चीजें बोली जा रही है पेपर के जरिए यदि बात की जाए, तो ये हम तारीख के अनुसार आपको बताने की कोशिश करेंगे। ये जिला अधिकारी की ओर से एक लेटर आया हुआ था जहां पर ये लिखा गया है इन्हें जो है वो रिन्यूअल के लिए तमाम चीजों के लिए पूछा गया था, जिसका जवाब जो है वो कमिटी की ओर से, ट्रस्ट की ओर से दिया गया। ये वो लेटर है जो यहाँ से दिया गया। उसके बाद पेपर में एक एड देने की कोशिश की गई जिसमें ये बताया गया, पब्लिक नोटिस दी गई जिसमें ये बताया गया कि कोई जो प्रॉपर्टी है उसे ना बेची जा सकती है और जो बेचता भी है उसके खिलाफ क्रिमिनल एक्ट जो है वो उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा तमाम यदि बात की जाए पुलिस उपायुक्त की, तो उनकी ओर से भी लेटर दिया गया है जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाए और साथ ही साथ गुनाह दाखिल करना है उसके खिलाफ जिसने ये प्रॉपर्टी को हत्याने की कोशिश की है। आप सीधे देख सकते हैं पुलिस उपायुक्त की ओर से ये लेटर जो है वो दिया गया था। इसके बाद यदि बात की जाए, इसके बाद लगातार जिला अधिकारियों की ओर से जो है वो लेटर पे लेटर दिया गया और कानूनी कार्रवाई की गई। इसके अलावा भी आपको जानकर हैरानी होगी कि ये आप देख सकते हैं ये जो है ये वो शीट है, ये वो पेपर है, ये वो बिल है जो ओनर के नाम पर हुडा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जो है वो लोगों को दे रहा है। यानी सोचने की बात है कि आखिर किसी और की प्रॉपर्टी, कोई और उसका पैसा खा रहा है और कोई और उसका मजा जो है वो ले रहा है। संजय जी जिस तरह से बता रहे थे, तमाम वो लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो इसके शिकार हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये तमाम पेपर हमने बताने की कोशिश की, कार्रवाई की बात की गई, पुलिस उपायुक्त के पास गया जाया गया, वहां से भी ऑर्डर दिया गया है कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, केस रजिस्टर्ड होना चाहिए, गुना दाखिल करना चाहिए, लेकिन अब तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्यों? सर जी, इसके अंदर मैं कुछ बातें और ऐड करना चाहूंगा कि मुंबई पुलिस के पीपी लॉ ऑफिसर सबनी का यह रिकमेंड है कि इसके ऊपर गुना बनता है, एफआईआर ली जाए। उसके बावजूद जो एमआरएमआर के पुलिस इंस्पेक्टर हैं, सीनियर जो आईओ हैं, इंचार्ज जो हैं इस केस के, प्रफुल्ल फड़के सर, उन्होंने आज तक के इस केस के ऊपर सिवाय सिविल मैटर बनाने के दूसरा कोई काम नहीं किया। हर बार हम ऊपर बैठे, ऊपर से ऑर्डर आए कि पीपी के ऑर्डर आए कि भाई इसके ऊपर केस बनता है, ये लीजिए, लेकिन उन्होंने हर बार इसको सिविल करके टाल दिया। तो ये सिविल कहने का इनका पीछे मकसद क्या है, या एफआईआर लेने का आज तक मकसद इन्होंने लिया नहीं, तो इसके पीछे क्या करप्शन है, क्या हुआ है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि पुलिस को एक केस रजिस्टर करने के लिए इतना टाइम क्यों लग रहा है, जबकि ये प्रॉपर्टी का, करोड़ों की, अरबों की प्रॉपर्टी का मामला है। तो इस केस में क्या हुआ, एक थोड़ी सी और आपको माहिती देना चाहूँगा कि जब ये प्रॉपर्टी का स्टैम्प ड्यूटी भरी जा रही थी कलेक्टर साहिबा के ऑफिस में, तो सेकंड फ्लोर पे ये ऑफिस की रजिस्ट्रेशन स्टैम्प ड्यूटी भरी जाती 56 लाख रुपये, कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती आज के दौर में हम जैसे गरीबों के लिए। थर्ड फ्लोर पे कलेक्टर साहिबा के यहाँ सुनवाई चालू है और सेकंड फ्लोर पे उसी पेपर के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन किया जाता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ और ये मेरी मांगनी है कि ऐसे लोगों को सस्पेंड किया जाए जिन लोगों ने स्टैम्प ड्यूटी ली है, भरी है, क्योंकि जब एक केस की आपकी सुनवाई चालू है तो क्या कलेक्टर साहब की जिम्मेदारी नहीं, स्टैम्प ड्यूटी लेने वालों की जिम्मेदारी नहीं कि वो पेपर को चेक करे कौन सी प्रॉपर्टी के मामलात में पेपर आए हुए हैं? 56 लाख रुपया गवर्नमेंट ने ले लिया, रजिस्ट्रेशन ले लिया, लेकिन उसकी जरा भी तहकीकात नहीं कि क्या ताजमहल बेचा जा रहा है या लाल किला बेचा जा रहा है, बस स्टैम्प ड्यूटी है ले लेना चाहिए। तो ये मेरी मांगनी है सरकार से कि ऐसे ऑफिसरों को, कलेक्टर ऑफिस में जो लोग हैं जिन्होंने स्टैम्प ड्यूटी लिया है, उनको तुरंत सस्पेंड करना चाहिए और इसकी एक इंक्वायरी की जानी चाहिए। सीधे तौर पर इसकी इंक्वायरी जो है वो करनी चाहिए। बिल देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये तमाम कानून कायदा को मुंह चिढ़ा रहा है। यहाँ पर सीधे तौर पर लिखा हुआ है कि ओनर है हुडा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, ये वही लोग हैं जो ये प्रॉपर्टी बेचकर अपना मालिकाना हक जताने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर कानून की ओर से ये कहा जा रहा है कि इसके खिलाफ एफआईआर लेनी चाहिए, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, तो फिर क्या वजह है, क्या जिस तरह से पुलिस स्टेशन की बात की जा रही है, सीनियर पीआई की बात की जा रही है, क्या वो बड़े हो गए हैं कानून से, ये एक सवाल खड़ा होता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी शाहिद शेख मौजूद है। शाहिद, क्या कहेंगे जिस तरह से ये तमाम चीजें चल रही है, ये बिल देखकर आपको हंसी जरूर आती होगी क्योंकि प्रॉपर्टी किसी और की है, ओनर का नाम किसी और का बताया जा रहा है। देखिए सलामत भाई, के अक्सर हमने दक्षिण मुंबई के अंदर देखा ये तो मामला है कि नजरों के सामने आ गया। आप अगर देखें तो ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जो इसी किस्म से घोरक धंधे की वजह से ये अटकी पड़ी है।
आज अगर ये लोग वक्त पर जागरूक नहीं होते या वक्त पर प्रशासन के पास में अप्रोच नहीं करते तो इनका भी हाल उनकी सूची के अंदर एक और बढ़ जाता था कि ये भी कोर्ट के चक्करे काटते थे। और हालांकि वक्त रहते हुए इनको पता चला और इन्होंने ये मांग की कि भाई इसके ऊपर कोई सिविल मैटर नहीं है, इसके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस दर्ज होना चाहिए। उसी की बात जो है मुगल मस्जिद ट्रस्ट ने इस चीज़ को उठाया है और ये मामले को हमारे लेमन न्यूज़ के अंदर अप्रोच किया कि हमारी ये समस्या है, आप इस चीज़ को बताया जाए। इसके बाद जिस तरह से बात की जाए इस पूरे कार्रवाई की, कहीं ना कहीं ये तमाम उन लोगों को बढ़ावा दे रहा है जो आगे चल के इस तरह के खौफ के भीत जीते हैं। यदि बात की जाए, यदि इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो वो दिन दूर नहीं होगा जब लोग आएंगे और ताजमहल बेचकर चले जाएंगे, लोग आएंगे लाल किला बेचकर चले जाएंगे। धरोहर की बात की जाती है, भारत के धरोहर की बात की जाती है, कहाँ रहेगी वो सारी चीजें यदि इस पर कार्रवाई नहीं की जाती। तो हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद है, आपसे जानना चाहेंगे, एक हेरिटेज की बात की जाती है लेकिन उसी की प्रॉपर्टी पिछले कई सालों से 160 सालों से चल रही है, वो प्रॉपर्टी कोई भी बेच सकता है? वो ये तो सरकार से आप पूछ सकते हैं कैसे बेच सकता है, मैं इसमें क्या बता सकता हूँ। मैं तो बस यही जानता हूँ कि गलत हुआ है, बहुत ज़्यादा ही गलत हुआ है, जो कि सारे अग्रीमेंट जो है ये 1947-1975 में क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि 10 दिन पहले और 20 दिन पहले प्रॉपर्टी छोड़ के जाने का। 2002 में श्री अजीत कुमार कासलीवाल का मालिकाना हक खत्म हो गया वक्फ की प्रॉपर्टी पे, अगर किसी का कब्जा है उसकी लीज खत्म हो जाने के बाद तो वक्फ के कानून के हिसाब से वो एनक्रोचर है, वक्फ डिपार्टमेंट ने भी उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। 2012 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का रेजोल्यूशन आया कि जो ओरिजिनल लेजी है लीज उसी के नाम पर रिन्यू होगी, तो फिर वो रेजोल्यूशन के बारे में जब शिराजी ट्रस्ट को इनविटेशन आया और अजीत कुमार ने इंटरवीन करने की कोशिश किया तो अजीत कुमार कासलीवाल को एंटरटेन क्यों किया गया, जबकि सर्कुलर के हिसाब से जगह जिसका पहले जिसको लीज की गई है उसी को मिलनी है, तो उसके तो सुनवाई करने का कोई हक ही नहीं था, उसको अपनी बात करने का मौका क्यों दिया? उसने खाली कानून को और कलेक्टर को गुमराह किया, उसने वहाँ पर हियरिंग में टाइम लिया और वो हियरिंग चलने के दौरान में उसने ये बेच दिया क्योंकि वो जानता था कि मेरा हक खत्म हो गया, मेरे को मिलेगी नहीं, तो उसने वहाँ पर हियरिंग लगवा के खाली टाइम लिया और जगह बेच के चले गया। सरकार को चाहिए ही नहीं था कि उससे उसकी बात सुने। जी तो सीधे तौर पर अब फिलहाल सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या कानूनी कार्रवाई तमाम इस तरह के बिल्डरों के खिलाफ होती है या नहीं? तो इस पूरे मामले को हमने आपके सामने रखा, आपके इलाके में भी इस तरह की कोई चीजें आपके सामने है तो टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हमारे इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपकी खबर बिना कट किए पूरी पारदर्शिता के साथ ना सिर्फ हम अपने इस टीवी न्यूज चैनल पर प्रसारित करेंगे बल्कि आपकी आवाज वहां तक ले जाएंगे जहां तक ले जाना वक्त की जरूरत है। हमारे आज के इस खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज में आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन राजीव बारोट, हमारे सहयोगी सलामत अली, हमारे सहयोगी शाहिद शेख के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। Global advertisers, scaling new heights in outdoor media.